एफएमएल के पास खेतिया में 30 टन शक्कर भरकर इंदौर के पालदा इलाके में आ रहा ट्रक गड़बड़ की पुलिया के पास असंतुलित होकर पलटी खा गया। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि ट्रक सड़क के डिवाइडर को तोड़कर राव जाने वाली लेन में जा पहुंचा। पलटी खाने से की भीषण आवाज से आसपास के लोग बाहर निकले और ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला। घटना से ट्रक में भरे शक्कर के 600 बोरे सड़क पर बिखर गए और आसपास के रहवासियों ने मदद करते हुए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर यातायात शुरू करवाया। घटना सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। सोमवार को क्षत्रिय मराठा नव निर्माण सेना एवं अखंड भारत युवा दल की मेजबानी में वाहन रैली लव कुश प्यार से शिवाजी प्रतिमा तक निकाली गई। इस दौरान शिवाजी प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया गया, साथ ही बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। वाहन रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के जिन जिन सड़कों से रैली निकली, वहीं जगह जगह मंच लगाकर रैली का स्वागत किया गया। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। 19 फरवरी को राष्ट्र गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती वाहन रैली निकाली जा रही है, जो विशाल वाहन रैली है। इसमें महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है, जो हजारों से ज़्यादा महिलाएं जो रहेगी, जो पारंपरिक वेशभूषा में है, और शिव मावड़े जिन्हें कहते हैं वो सारे पुरुष भी हैं। ये बहुत बड़ी विशाल संख्या में ये रैली निकली जाएगी। माँ गंगेश्वरी धाम पर्दे से पूरा से निकलेगी पाटनीपुरा और जनवन स्क्वायर होते हुए ये शिवाजी प्रतिमा वहाँ पर माल्य सभी शिवाजी पूरे राष्ट्र के हमारे जननायक हैं, हमारे आदर्श। उन आदर्शों को लेकर, शिवाजी के आदर्शों को लेकर हम सब ये युवा साथी, युवा हमारे मराठी क्षेत्र में आए के नेतृत्व पूरे क्षेत्र में शुभमय वातावरण होता है, जिसमें आज आवश्यकता भी शिवाजी के आदर्शों चले। जिस तरह देश की आयोजन करते आ रहे जी ने भी इस यात्रा को चालू किया था। उसके बाद बधाई देना चाहता हूँ। ऋण माफी योजना के नाम पर किसानों के साथ हो रहा छलावा खकनार। मध्य प्रदेश में किसानों को 2 लाख रुपए का ऋण माफी महज 10 दिनों में करने का झूठा वादा कर कांग्रेस में यह सरकार बना ली और सरकार बनाने के 70 दिन बाद भी अभी तक किसानों के खेत में 1 रुपए भी नहीं दिए हैं, बल्कि किसान लाल पीले हरे काले कागजों में ही उलझे हुए हैं। यह बात खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने खकनार में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि वक्त है बदलाव का, पर व्यंग कसते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने जनहितैषी योजनाएं चलाई हैं, उसी का नाम बदला जा रहा है। राम तो राम है, चाहे उसे श्याम कहो चाहे घनश्याम। संबल योजना को बंद कर गरीबों को मिल रहे लाभ से कांग्रेस ने इन्हें वंचित कर दिया है। खकनार से नगीन महाजन की रिपोर्ट। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सब किसानों का कर्जा माफ करें 2 लाख रुपए की सीमा तक, फिर वो बकायेदार हो या चालू खाते वाला, वो डिफाल्टर हो या रेगुलर हो। अब उसमें क्राइटेरिया बना रहे, लाल कागज, सफेद कागज, पीला कागज, और 10 दिन में करेंगे। आज 70 दिन हो गए, एक भी किसान का कर्ज माफ होकर उसके खाते में कर्ज नहीं डला। माफी का मतलब है उतना पैसा सरकार उस खाते में जमा कर दे और वो जमा के बाद किसान को नील का 60 पैकेट मिले, एक का भी नहीं। ट्रैफिक थाने पर एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने मैजिक और बस संचालकों की बैठक ली। बैठक के दौरान एसपी ने बस संचालकों से किस रूट पर उनकी बसें संचालित हो रही है उसकी जानकारी ली, साथ ही यातायात सुधार को लेकर सुझाव भी लिए। एसपी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि बस और मैजिक निर्धारित स्टॉप पर ही रोके। एसपी ने बस संचालकों से सख्त लहजे में कहा कि बस स्टैंड पर एजेंट वसूली करते हैं, इसकी मुझे खबर है। दलाल और एजेंट बस स्टैंड पर नजर नहीं आना चाहिए। अगर सुधार नहीं किया तो कार्रवाई कर बसें जब्त कर ली जाएंगी। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। एक हमारा सार्थक प्रयास है जिससे हम देवास की यातायात व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारा विश्वास है जल्दी ही ट्रैफिक की दूरी व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे।
एक और देश आतंकवाद से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ही देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हमारे देश छलनी है और हमारे ही देश के कुछ ऐसे युवा हैं जो अपने देश की हिफाजत और जय जयकार करने के बजाय दुश्मनों की जय जयकार कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली में सामने आया है, जहाँ मोहसिन खान नामक एक 20 वर्ष युवक ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट वायरल कर दी है, जिसे देखते ही लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने शासन को इस मामले में अवगत कराया है, लिहाजा पाली थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल से सावेंद्र बर्मन की रिपोर्ट। के खिलाफ लिखा और काफी अभद्र टिप्पणी की है फेसबुक में, जिसका विरोध प्रदर्शन था, उसको FIR करवाया गया बजरंग दल के द्वारा और उसको अंदर भी किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। और जो कल मशाल यात्रा निकाली गई थी वो शहीदों के श्रद्धांजलि और विरोध के उसमें था कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे। तरीके से अगर किसी भी समाज का कोई भी वर्ग इस तरह की अभद्र टिप्पणी फेसबुक या किसी भी करता है, कोई कमेंट्स करता है, तो किसी भी तरह उस प्रशासन उसको बख्शे ना और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी समाज और किसी भी वर्ग का हो। मैं यही गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। BSNL को 4G स्पेक्ट्रम पर दान करने और नए वेतन मान सहित 5 प्रमुख मार्गों को लेकर BSNL की सारी यूनियंस एंड एसोसिएशन के आह्वान पर BSNL के समस्त अधिकारी व कर्मचारी 18 फरवरी 2019 से 3 दिवसीय हड़ताल पर है। हड़ताल पर रहने से उज्जैन जिले के BSNL के सभी उपभोक्ता सेवा केंद्र एवं कैश काउंटर बंद रहे, जिससे न तो नए टेलीफोन ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग पाए, न ही बिल जमा हो पाए। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। हम ये मांग कर रहे हैं 3 दिवसीय हड़ताल है और यह सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमें 4G स्पेक्ट्रम लागू नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि BSNL के पास 4G स्पेक्ट्रम आ गया तो ये प्राइवेट कंपनियां जो देश की जनता को लूट रही है ये लूट नहीं पाएगी। इसलिए BSNL को पीछे धकेलने की, रिलायंस जियो को आगे बढ़ाने की साजिश सरकार की, ये इसका विरोध। रायसेन जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा कितनी गंभीरता बरती जा रही है और कितना शासकीय योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं तक पहुंचा पा रहे हैं, इसका अंदाजा रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील मुख्यालय की आखिरी पंचायत आलीवाड़ा से लगाया जा सकता है, जहां आज 10 साल बीत जाने के बाद भी कन्या शाला भवन निर्माण नहीं हो सका, जिसके चलते कन्या माध्यमिक शाला आलीवाड़ा की 79 छात्राएं जर्जर भवन में फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और जहां आए दिन नए खतरे बने रहते हैं। सुल्तानपुर से वीके जोशी की रिपोर्ट। बैठ के पढ़ना पड़ता है, हमारे स्कूल भी अच्छे से नहीं, ग्राउंड में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है और पढ़ने के लिए एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं और टीचर नहीं है, स्कूल भी नहीं है। अच्छा, वो बन रहा था वो स्कूल, उसका क्या हुआ? वो रुक गया है। रुक गया है, एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं आपको? सर, यहाँ पर बरसात में भी दिक्कत होती है, बारिश ऊपर से पानी टपकता है, इसलिए बहुत परेशानी है। हाँ, स्कूल जर्जर है। हाँ, जर्जर है और कमरे व्यवस्थित नहीं है, बैठने के लिए व्यवस्था ठीक से नहीं है। और नई बिल्डिंग स्वीकृत की गई थी, उसका भी निर्माण चल रहा है। अब क्या मालूम शासन के क्या नियम है, 7-8 साल हो गए, ऐसी गली है, अधूरी पड़ी है। इसमें सर ये है कि अभी बहुत पुराना केस है ये और हमारे संज्ञान में अभी आया नहीं है, जिला स्तर की जानकारी मिली है कि इसका प्रकरण चल रहा है पुराने सरपंच और सचिव के ऊपर, उसमें जो भी निर्णय जो होगा जिला स्तर से शासन स्तर से और हमारे लिए जो भी आदेश दिया जाएगा उसका हम पालन करेंगे, उसमें अगर कोई राशि मिलती है तो। अभी आपको इस निर्माण के बारे में किसी भी तरह का आदेश या कोई राशि आवंटित नहीं की गई है? अभी तक तो कोई राशि आवंटित है ना, कोई राशि आवंटित है ना ही किसी प्रकार का कोई निर्देश है। आपको लगभग कितना समय हो गया है? मुझे 1 साल हो गया, इसी फरवरी में आया था। जगह नहीं है सारी, जगह नहीं है जी। क्यों, नई बिल्डिंग भी बनना थी वो भी अधूरी पड़ी, क्या कारण है? अब सर 7-8 साल से ऐसे अधूरी पड़ी है, अब तो ऐसे एक दो तीन क्लास साथ में लगानी पड़ रही है जी, तो बड़ी समस्या होती होगी, बच्ची पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे? नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसमें से पानी आनी भी टपकता है बरसात में जी? यहाँ से पानी टपकता। देखिए, दरअसल क्या है, उस बिल्डिंग का वहाँ पे तत्कालीन पंचायत सचिव और सरपंच ने उस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था और वो बिल्डिंग पूर्ण नहीं हो पाई थी, इससे पहले ही वो कुछ विवादों में फंस गई और तब से लेके आज तक वो विवादों में है और उन लोगों पर वसूली का केस चल रहा है कलेक्टर न्यायालय में, तो उसमें दोनों पे लगभग जो है ना
अमूमन 90-90 हज़ार की वसूली लगभग का चल रहा है, तो उनसे इस कारण से वो बिल्डिंग पूर्ण नहीं हो पाई और इसी कारण से वो अधर में पड़ी हुई है अभी तक। बुरहानपुर वन विभाग के शाहपुर रेंज वन चौकी जम्बू पानी के अंतर्गत आने वाली बीट क्रमांक 425 में नील गाय का शिकार होना बताया गया है। नील गाय 4 से 5 दिन पुरानी मृत अवस्था में देखी गई है। जानकारी अनुसार नील गाय का शिकार बंदूक की गोली से शिकार होना बताया गया है। जंगलों में जंगली जानवर बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का देखने में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इन जानवरों को नहीं संभाल पा रहा है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट। पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई है कि 425 नंबर कंपार्टमेंट में एक नीलगाय का छत विछत सब है, तो टीम वहाँ पे मौके पे है, वो जांच कर रही है। जांच करने के बाद में वो बताएंगे कि ये क्या प्रकरण है। सर, इससे पहले भी ये मतलब घटनाएं हो चुकी हैं? इस तरीके की कोई घटना अभी तक ऐसी प्रकाश में नहीं आई है नीलगाय की मृत्यु के संबंध में। सर, रीछ की तो वही है सर, इससे पहले भी और जानवर? रीछ की जो घटना हुई थी वो आप लोगों को पता है, उसमें पूरी कार्रवाई हो चुकी है। जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लोग जेल में हैं। सारे पार्ट जितने भी थे उसकी बॉडी के, वो सारे पार्ट्स सुरक्षित जब्त कर लिए गए हैं। खिरकिया नगर में रैली निकाल कर श्रद्धांजलि दी गई। खिरकिया छिपावड़ के नगर वासियों ने देश के हित में शहीद जवानों के परिवार के लिए 2 घंटे में 2,02,000 रुपए का कलेक्शन किया। समिति सदस्यों की भावना है कि यह राशि 3 लाख कर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं। हरदा से अर्जुन सेन की रिपोर्ट।